वह क्या है? मैं भी वही पहुंची। स्वामी जी महाराज ने शब्द कल प्रयोग किया, देना ही चाहते हो तो अपनी जैसी लगन दो, मुझे आप जैसी लगन लग जाए, जैसी लगन आपको है, भक्ति की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, अमृतत्व की प्राप्ति की, वैसी लगन मुझे लगा दीजिएगा। कितनी सुंदर मांग है इस देवी की, महान देवी की। देखो, दो प्रसंग मैत्री पर स्वामी जी महाराज ने क्यों चुना है? दो प्रसंग, छोटी हस्ती नहीं है मैत्री जिसकी इस प्रकार की मांग है। महर्षि से आप पूछ दिया, क्या सारे संसार की धन संपत्ति मिलने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। याज्ञवल्क एकदम टोकते हैं, अरे मैत्री, इस धन संपत्ति से ना परमात्मा मिलता है, ना संत मिलता है, ना ज्ञान मिलता है, ना भक्ति मिलती है, फिर क्या मिलता है? अभिमान। याज्ञवल्क सो क्लियर, सो लूसिड, इससे क्या मिलता है? कहा, अभिमान मिलता है। इसको आदमी भोगता है तो भी अभिमान, दान देता है तो भी अभिमान, इसको अपने पास रखता है तो भी अभिमान। याज्ञवल्क्य के शब्द देखिएगा, कितने स्ट्रॉन्ग शब्द हैं धन संपत्ति के लिए। ये अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। हां, सुख सुविधाएं मिलती हैं, एक धनवान जैसा जीवन जीने को मिल जाता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। सुखी सुविधा पूर्वक जीवन, सुखी जिसे हम सुखी समझते, इससे अधिक नहीं। सुविधाएं मिल जाती हैं, धन सुविधा देता है, जो सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को नहीं मिलती, वह धनवान को मिल जाती हैं, बस इससे अधिक और कुछ नहीं है। पतनकारी चीज देके जाता है, मानो ये अर्थ अनर्थकारी है। यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं है। अर्थ अर्थात धन संपत्ति को अर्थ कहा जाता है, अर्थ ये अर्थ नहीं है, अर्थ ये अनर्थकारी है, ऐसा संत महात्मा घोषणा करते हैं। सो शेष महर्षि याज्ञवल्क्य, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैत्री कहती है, मुझे कह दीजिएगा जो आप पाना चाहते हो। उपदेश देते हैं, उपदेश को प्राप्त करके सीधे याज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी साधना के लिए चले जाते हैं। मैत्री उसी वक्त घर छोड़ के थोड़ा मोटा सामान लेके तो महर्षि पराशर के आश्रम में चली जाती है, जो प्रसंग आज आपने पढ़ा है। देवियों, बहुत सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है आज का। मेहरबानी करके इसे बहुत लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सार है, जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसकी जानकारी तो बहुत आवश्यक है, उतना ही चर्चा करेंगे। मैत्री महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गई है, जाके साधना का शुभारंभ कर दिया है। एक छोटी सी कुटिया कमरा कोई होगा, कुटिया ही होती थी उस वक्त, कुटिया में एक रहने के लिए स्थान मिल गया। छोटा मोटा सामान जो साथ लेके गई हुई थी, उसमें कपड़े भी थे, गहने भी थे, कोई पैसे भी होंगे। जाके बाहर कुछ खरीदना होता है, कुछ खाना होता है, कुछ पीना होता है, कपड़े बदलने होते हैं, धुलाने होते हैं, धोने होते हैं, इन सब के लिए पैसा चाहिए। बस ये पैसा जरूर मैत्री के पास होगा। मुनि एक ही बात पर टिके हुए हैं। इस सारे प्रसंग में उन्होंने एक ही शब्द कहा है, मैत्री त्याग कर सब कुछ मिलेगा। जिस शांति की खोज के लिए निकली हो अब, जिस परम शांति प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम निकली हो घर से, जिसके लिए साधनारत हो, उसकी प्राप्ति त्याग से होगी। त्याग कर, जितना समझ में आया, जो कुछ साथ लाई हुई थी सब कुछ छोड़ दिया। जो कपड़े पहने हैं बस वही कपड़े रह गए, जो प्राश्र मुनि के आश्रम से खाने को मिलता उसी पर निर्वाह करती, लेकिन शांति अभी भी नहीं मिल रही। मुनि ने फिर कहा, मैत्री त्याग कर शांति मिलेगी।
तेरा त्याग पूर्ण नहीं है। मन ही मन सोचती है, क्या रह गया है मेरे पास, कपड़े और तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। अपनी अंग रक्षा के लिए मानो जिससे स्त्री की लाज बच जाए, उतने कपड़े रख के अपने शरीर के ऊपर बाकी सब कुछ छोड़ दिया, कोई कपड़ा अपने पास और नहीं रखा। अंग रक्षा के लिए स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया, इतना ही कपड़ा रखा है, मिनिमल पॉसिबल। गार्गी तो अवधूता थी, नंगी रहती थी, लेकिन मैत्री गृहिणी रह चुकी हुई है, अतएव अवधूता नहीं है, अवधूता बननी भी नहीं चाहती। अपनी अंग रक्षा के लिए दो कपड़े रखे हैं बस, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन शांति तो अभी भी नहीं मिल रही। आज अंतिम बार कहा है महर्षि, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब क्या शेष रह गया है त्यागने को, जिसके लिए आप बल दे रहे हो। एक शरीर है, मेहरबानी करके मेरे लिए चिता तैयार कीजिएगा, मैं मरने को तैयार हूं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितने